वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर एट डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीयर के सिलेबस की लास्ट पोएम है और पोएम का टाइटल है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इफ यू टॉक अबाउट द पोएट ही इज ही फेडरिकॉज एन अमेरिकन पोएट एंड ये जो पोएट है ही टू राइट इन लाइट या फ्री वर्ड्स में लिखते हैं एंड दिस इज टू लेंदी ये पोएम जो है बहुत लेंदी है बट द मीनिंग ऑफ इट्स लाइन इज इजी टू अंडरस्टैंड बट इसकी जो लाइन्स है उनका मीनिंग जो है वो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा हेयर इन द पोएम पोएट इज सेंग दैट इफ अगर कोई इंसान जो है उसका अगर वो जो नेचर वाइज जो वो इंसान है काफी ज्यादा शांत स्वभाव का हो टिमिड हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो डरपोक है या कुछ काम नहीं कर सकता इसलिए हमें कभी भी किसी को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए ना ही हमें टीस करना चाहिए एंड ये हमें कैसे पता चलेगा थ्रू दिस पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो एंड यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस पोएम इज अड ये पोयम जो है है। बच्चे एक पोएमड का मतलब होता है कोई भी या कोई भी भी या हो हो, हो। जो कि एक एक सुना रही हो। एक स्टोरी को कर रही को कर और यहाँ पे भी हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं बलिंडा लिव्ड इन लिटिल वाइट हाउस लिटिल ब्लैक अ लिटिल ग्रे माउस एंड लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन एंड अ लिटिल पेट ड्रैगन सो यहाँ पे पहले बताया गया है कि इस बैलेट के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं। बिलिंडा एक गर्ल है जिसके बहुत सारे पैट्स हैं कौन कौन है एक उसके पास ब्लैक लिटिल किटन है बिल्ली का बच्चा है एक ग्रे कलर का माउस है उसके साथ साथ एक डॉग भी है एंड एक लिटिल रेड कलर का वैगन है मीन्स कार है या अदर कोई उस तरह का वहीकल है जो सामान रखने के लिए काम आता हो एंड उसके साथ में एक पेट ड्रैगन भी है नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मास्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कास्टर्ड द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द नेम्स ऑफ बिलिंडास पेट्स पोएट कहते हैं कि लिटिल ब्लैक किटन का नाम इंक है और लिटिल ग्रे माउस का नेम था ब्लिंक और अपने लिटिल येलो डॉग को वो मस्टर बुलाती थी एंड वो बताते हैं उनका ड्रैगन जो था वो एक कावर्ड था एंड उसका नाम था कस्टर्ड कावर्ड मींस होता है जो डरता है या जो डरपोक है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम

जो कि मारने के काम आता है सो पोएट द ड्रैगन हैं इस पैराग्राफ में ऑफ द ड्रैगन ड्रैगन का देखने में तो बताया गया है कि ये जो ड्रैगन है ना काफी ज्यादा डरावना ड्राव, सा है लेकिन रियल में ये कावर्ड है और उसके बिग शार्प टीथ हैं और उसके टॉप पे मतलब उसके टॉप पर जो है ना उसके स्पाइक्स टॉप पे हैं अगर आपने ड्रैगन की पिक देखी होगी तो ऐसा लगता है पॉइंटेड पॉइंटेड से ट्राइंगल्स से जो है वो नजर आते हैं हमने वो क्या होते हैं जो हमने देखे हैं अगर वो ट्राइंगल्स से उसकी बॉडी पे जो पॉइंटेड पॉइंटेड से नजर आते हैं वो क्या होते हैं उनके स्पाइक्स तो वो हैं एंड वो कहते हैं स्केल्स उसकी स्किन पे हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं वो जो स्केल्स हैं उसकी स्किन पे वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं एंड देन क्या है माउथ उसका लाइक अ फायर प्लेस उसका जो माउथ है वो कैसा है फायर प्लेस के जैसा ड्रैगन का हमें पता है ही है वाई डू वी नो ड्रैगन हम ड्रैगन को जानते किस लिए बिकॉज दे एमिट फायर फ्रॉम देयर माउथ वो अपने मुंह से जो है आग उगलते हैं तो कहा गया है या फिर कंपेयर किया गया उसके माउथ को टू अ फायर प्लेस एंड चिमनी फॉर अ नोज़ क्योंकि जो धुआं है वो उसकी नो से ही बाहर निकलता है एंड देन ही सेज़ रियोलियो ट्रियोलियो ड्रैगर टू हिज टोज़ जो उसकी टोज हैं जो उसके नेल्स हैं इतने ज़्यादा शार्प हैं कि वो ऐसा लगता है ड्रैगर है किसी को भी मार सकते हैं बट रियलिटी क्या है रियलिटी ये है कि ये एक कावर्ड है

कितना पावरफुल एनिमल डॉग से भी ज्यादा पावरफुल माउस से भी कैट से भी एंड इवन बिलिंडा से भी ज्यादा पावरफुल है पावर पावरफुल कोई एनिमल है और वो डरता क्यों है वो कावर्ड क्यों है सारे के सारे काफी ब्रेव है एक्सेप्ट हिम सो ही सेज बिलिंडा एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स बैरल का मतलब क्या है एक बड़ा सा वैशल वैसल आप कह है सकते हैं एंड जो वैसल है सिलेंड्रिकल शेप में होता है फुल ऑफ बियर्स मतलब कि बियर्स आपको पता है ना बियर्स कितने माइटी होते हैं कितने पावरफुल होते हैं तो मतलब तो इतने सारे बियर्स के मुकाबले हैं तो बिलिंडा खुद भी इन्होंने डिस्क्राइब करा है कि इतनी ब्रेव थी ठीक है ना एंड जो इंक एंड ब्लिंक थे वो इतने ज्यादा ब्रेव थे कि दे यूज टू चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स अगर कोई लायन आता था वो उसको इतना फियरलेसली फेस करते थे कि किस तरीके से उसको भगा देते थे चेस करते थे ऐसा नहीं है कि इन्हें इन्हें कि जो है चेस करते थे ये को चेस करते थे एंड मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव टाइगर इन अ रेज और मस्टर्ड इतना ब्रेव था जितना कि एक टाइगर होता है अपने रेज के अंदर जि, एंड जितना गुस्से में टाइगर होता है उसी तरीके से उनका डॉग था वो भी ऐसा ही था लेकिन ये जो कस्टर्ड है ये हमेशा रोता रहता था कि उसको एक नाइस सी सेफ सी केज दे दी जाए जिसमें वो सुकून से रह सके बिलिंडर टिकल्ड हिम शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल इंक ब्लिंक एंड मास्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियोलियो ट्रूलियो कॉवर्डली ड्रैगन अब तक आपको समझ आ गया होगा कि really ट्रोलियो मीन्स रियली ट्रू जानबूझ के इन वर्ड्स को इस तरीके से यूज़ किया गया है एक आप कह सकते हैं सॉन्ग में या सॉन्ग की रिदम में उसको फिट करने के लिए means मीन्स टू टच lightly लाइटली इन sense कि उसको डिस्कम्फर्ट लगे किसी को ऐसे छूना कि उसको जो है ना अच्छा फील ना हो अनमर्सीफुल का मतलब क्रूअल या फिर हार्श एंड बच्चों परसिवल कौन था वो एक वो एक नाइट था इन किंग ऑथर्स कोर्ट नाइट का मीन्स होता है यहां पर जो नाइट का मीन्स है वो है हेयर इट इज शोल्जर नॉट एग्जैक्टली बट उसी की तरह है. वो उसी की तरह ब्रेव था इतना ब्रेव होने के बाद भी ही वॉज नॉट फुली ब्रेव मतलब इस इसने फाइट नहीं किया सब इसको जो है क्या कहते थे कि ये डरपोक था एंड इस स्टैजा में पोएट कहते हैं कि जो बिलिंडा थी तंग करती थी टिकल करती थी इस ड्रैगन को बहुत अन अनमर्सीफुली बहुत क्रूवली जो इंक एंड ब्लिंक और मस्टर्ड थे वो तीनों वो उसको रूडली परसिवल की तरह बुलाते थे कि ये उसी की तरह है वो इतना डरपोक दिखता इतना माइटी है फिर भी एंड ये कहते हैं कि ये जो है दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट हिम मीन्स ये सारे के सारे किसका मजाक उड़ाते थे इस ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे एंड क्यों उड़ाते थे क्योंकि ये एक नाइस सेफ केज जो था वो अपने लिए मांगता था एंड वो टिमिट था इतना आउटवर्ड नहीं था इतना ज्यादा अपने आप को शो ऑफ नहीं करता था इसलिए सब इसका मजाक उड़ाते थे अब लिटिल रेड वैगन में बैठ के अब लिटिल रेड वैगन में आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है अब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि बिलिंडा जो है वो एक छोटी सी बच्ची है जो अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है बिकॉज बच्चे यूजुअली अपने टॉयज को नाम दे देते हैं बचपन में सभी तो इन टॉयज़ को जो है टॉयज़ को उन्होंने नाम दे रखा होगा एंड ये जो लिटिल रेड वैगन है जिसके अंदर वो अपने टॉयज़ को रखती होगी ये उसे रेड वैगन की उसी रेड वैगन की बात कर रही है नाउ आगे देखिए बिलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस एंड ब्लिंक सेट विक विच इज गिगलिंग फ्रॉम माउस

वो वो भी एक वीक की आवाज जो है बेसिकली ही टेक्स आउट इसका मतलब है वो कहते हैं कि हमें समझना है कि ही इज लाफिंग एंड बाकी जो उसका मस्टर्ड है वो इनकी एज पूछते रहता है ही इससे रूडली बात करते हैं एंड कस्टर्ड जब ज्यादा परेशान हो जाता है ही आज फॉर नाइस सेफ केज नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं सडनली सडनली They they heard a nasty sound and 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 mustard growled and they all looked around. Cried Cried ink ooh! Belinda, for there was parrot climbing in the window. तो बिहेव कर रहे होते हैं तभी इनको एक आवाज आती है नेस्टी साउंड का मतलब है कुछ अनप्लीजेंट साउंड जैसे ही वो आवाज आती है मस्टर्ड उनको इनका जो मस्टर्ड जो इनका डॉग जो होता है वो अपने आसपास देखता है एंड ही ग्राउल ग्राउल इज अ टाइप ऑफ बार्क ग्राउल जो आवाज डॉग जो है वो टेकअप करते हैं घुर्राना इंक जो कैट है वो क्या करती है वो इधर उधर देखती है और वो जो है डर जाती है एंड जो बिलिंडा है वो कहती है ओह मतलब एकदम से सारा का सारा सीन चेंज हो जाता है आप कह सकते हैं वो सब एकदम से सारी जगह इधर उधर देखने लग जाते हैं कि चल क्या रहा है आवाज कैसे आ रही है सो so अटेंटिव हो जाते हैं फॉर देयर वॉज पैराट क्लाइंबिंग इन द विंडा विंडा यूज किया है राइम करने के लिए इट मीन्स विंडो यहाँ विंडा जो वर्ड है वो राइम करने के लिए यूज किया गया है और विंडा का मतलब यहाँ विंडो से है सब अटेंटिव हो जाते हैं एंड फिर देखते हैं कि विंडो से एक जो समुद्री पिराट है यानी कि जो समुद्री लुटेरा है वो क्लाइम कर करने की कोशिश कर रहा है अब सारे के सारे जो है वो डर जाते हैं पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट एंड ही his हिज right, he a अटलेस ब्राइट हिज बियड वॉज ब्लैक वन leg वॉज वुड इट वॉज क्लियर that द पिराट meant नो गुड मींस यहाँ पर जो उसका जो अपीरियंस है इस पिराट का उसे डिस्क्राइब किया गया है उसके एक हाथ में पिस्टल है उसके दूसरे हाथ में भी पिस्टल है एंड उसके ती, जो टीथ है उनमें कटलेस ब्राइट इसका मीनिंग क्या है एक ब्लेड है और उसकी बियर जो है वो ब्लैक थी एक लेग वुड का था ये तो उसका अपीरियंस था एंड लास्ट स्टैंड सेज एंड इन द लास्ट ऑफ दिस स्टैंड इट वॉज क्लियर दैट द दिराट मेंट नो गुड यानी कि जो इस स्टैंडर की लास्ट लाइन है उसमें क्या कहा गया है वो कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ी ना वहाँ आया होगा वो इनकी हेल्प करने या इनकी मदद करने के लिए थोड़ी ना आया होगा ऑब्वियसली वो कुछ गलत काम करने के लिए वहां आ गया। बिलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प बट मस्टर फ्लीड विदेफाइड इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड अभी तक इंक ब्लिंक अपने आप को कितना ज्यादा पावरफुल मान रहे थे अपने आप को ब्रेव कह रहे थे तो सब डर गए उसकी शक्ल फेल हो गई सो वॉट वॉज बिलिंडाज रिएक्शन क्या था वो हेल्प मांगने लगी मस्त भाग गया वहां से चिल्लाकर जो इंक थी उसने उसने क्या किया वो भी भाग के नीचे चली गई और जो माउस था वो माउस होल्ड के अंदर चला गया माउस होल्ड इज अ स्मॉल केव इन वॉल आफ्टर द दिराट दे ऑल गॉट फ्राइटन उस पिराट को देखने के बाद वो सारे के सारे जो हैं, वो बुरी तरीके से डर गए बट अप जम्प कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन क्लैश हिस्टेल लाइक आयरन इन अ डगन With a a a a a clatter and a clank and a squirm, he went at the pratt like a robin at a situation Just like the like robin worm. कैसे जस्ट लाइक द एंट्री ऑफ अ हीरो इन किसी फिल्म में कोई सीन चल रहा होता है ऐसा कि जहाँ पर मदद की जरूरत होती है और तभी अचानक से जो है हीरो की एंट्री होती है इन द सेम सेंस यहाँ कस्टर्ड सामने आता है

मतलब एक दूसरे से जब वो गिर करके टकराते हैं जिनमें एक दूसरे से बजने की जो आवाज आती है तो जब हार्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे गिर जाते हैं एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं या कोलाइड करते हैं वो साउंड एंड नेक्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज ये एक रिंगिंग सी वॉइस है एक अलग टाइप की आवाज है जब हम एक्सरसाइज जब रेडी होते हैं किसी चीज के लिए नेक को ट्विस्ट करना बॉडी को ट्विस्ट करना इधर से उधर तो इस टाइप की आवाज हो जाती है पोएट कहते हैं डिस्पाइट सारे जब डर के भाग जाते हैं तो कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन इंजन की आवाज़ कितनी ज़्यादा तेज होती है उसी तरह एंड उसने अपनी टेल जो है वो क्लैश करी लाइक आयरन इन अ डंग लाइक जो आयरन्स हैं वो कहाँ होते हैं अंडरग्राउंड प्रीजन्स में जो गेट्स होते हैं वो किसके होते हैं ऑब्वियसले बच्चों लोहे के होते हैं आयरन के होते हैं तो आयरन की आवाज आती है उसको खोलने पर जब वो गेट्स खोले जाते हैं वैसी ही उसकी टेल से आती है जब वो उसके इधर उधर रख उसको जो है इधर उधर रखता है विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ अग स्क्वैम ही वेंट एट द दर्ड लाइक रॉबिन एट अ वॉम अब रॉबिन जो है वो एक बर्ड है और ये बर्ड क्या खाती है बच्चों वॉम्स खाती है अर्थ वॉम्स को तो जिस स्पीड से वो जाती है वॉम को कैच करने के लिए वैसे ही ये कस्टर्ड भी गए हैं उस पिराट को पकड़ने के लिए सो so अल्टीमेटली हम देखते हैं सबसे ज्यादा ब्रेव कौन था उन सब में वो जो पूरी उसकी बिलिंडा की जो टोली थी एनिमल्स की उसमें सबसे ज्यादा ब्रेवेस्ट कौन निकला कस्टर्ड द ड्रैगन द पिराट गेट एट बिलिंडास ड्रैगन एंड सम फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन ही फायर टू बुलेट्स बट दे डिडेंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट अब गेफ्ट मीन्स आप इतने शॉक्ड हो जाते हो किसी चीज को लेकर कि आप माउथ ओपन वाइड रह जाते हो और स्टेर करते रहते हो यानी कि गेफ्ट का मतलब है जब आप किसी चीज को देख करके इतने ज्यादा स्टंड रह जाते हो कि आपका मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है आप हक्के बक्के से रह जाते हो ठीक है ना एंड गर्ब का मतलब स्वेलो करना ग्रॉग इज अ ड्रिंक फ्लैगोन एक कंटेनर होता है मेड ऑफ सिल्वर जिसके अंदर ड्रिंक रखी जाती है एंड गॉबल्ड मीन जल्दी जल्दी स्वेलो करना पोएट कहते हैं कि पिराट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड स्टेयर करता है ड्रैगन की तरफ अपनी पॉकेट से अब वो क्या किसको कहा स्टेयर कर रहा है वो किसको देख रहा है आखे फाड़ फाड़ के वो उस ड्रैगन को देख रहा है देखता है ये अरे ये क्या आ रहा है उसका मुंह खुला का खुला है वो हक्का बक्का है बिल्कुल स्टंड है और फिर वो क्या करता है अपनी पॉकेट से फ्लैग निकालता है उसे ड्रिंक करता है एंड उसे वापस अपनी पॉकेट में रख देता है एंड वो जो बुलेट्स फायर करता है टुवर्ड्स दिस ड्रैगन और जब वो गोली चलाता है दो उस ड्रैगन की तरफ लेकिन वो उसे हिट नहीं करती है वो गोलियां उस ड्रैगन को नहीं लगती हैं और ये कस्टर्ड उसको स्वेलो कर जाता है खा जाता है बिलिंडा एम्ब्रेज हिम मस्टर्ड लिग हिम नो वन मॉन्ड फॉर हिस्ट विक्ट इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिट गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट अब यहां पर एम्ब्रेन का मतलब है टू हग गले लगना मॉन्ड इज टू फील सैड एंड सॉरो ग्ली एंड ग्राट का मीनिंग है बी डिलाइटफुल एंड डांस यानी के खुशी के मारे झूमना पोएट कहते हैं कि जैसे ही ड्रैगन ने इस पिराट को खा लिया मार दिया सारे ड्रैगन को एक हीरो मान चुके थे ये तो उसको बिल्कुल टिमिट मानते थे इसका मजाक उड़ाते थे बट आफ्टर किलिंग दिस पर, पिराट सारे इसको

फ्लस्टर्स मीन फ्लस्टर्ड का मतलब है अपसेट और कंफ्यूज अब क्या कह रहे हैं ये सब कि ठीक है कस्टर ने अपने आप को प्रूव कर दिया वो हीरो बन गया आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे ना बच्चों जो क्या करते हैं कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो मुसीबत को देख के जो है भाग जाते हैं एंड जब सब कुछ ठीक हो जाता है है ना जब सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद आके कहते हैं हाँ ये तो मैं कर सकता था हाँ ये तो मैं भी कर लेता अगर मुझे ये ना हुआ होता, वो ना हुआ हुआ होता होता वो मीन्स बहाने जो बाकी सारे पैट एनिमल्स कहते हैं बिलिंडा के बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर देखो मस्टर्ड है जो डॉग है वो क्या कहता है कि मैं तो इससे दो गुना ज्यादा ब्रेव होता अगर मुझे कंफ्यूजन नहीं हुआ होता कि सिचुएशन में हो क्या रहा है और उसके बाद एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक वी हैड हैव बीन वी वुड हैव बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी अब उसके बाद में जो है इंक और ब्लिंक एक साथ बोलते हैं हाँ हम तो तीन गुना जो है ब्रेव हुए होते और हमें भी शायद जो सिचुएशन थी वो समझ नहीं आई तो कस्टर्ड इतना अच्छा है कि उसने जो कुछ भी किया उसको अपने ऊपर बिल्कुल भी प्राउड नहीं हुआ और कहता है कि आई एग्री कि सभी मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं ये सरकास्टिकली भी कह सकता है एंड ये हम्बली भी कह सकता है सी कस्टर्ड इन लोगों से कितना ज़्यादा डिफरेंट है डिस्पाइट द फैक्ट वो इतना ह्यूज लार्ज है इनॉर्मस है वो इनको कभी भी हार्म नहीं पहुंचा सकता इनसे डेफिनेटली आप ये जो हैं, इससे जो है आप लोग कह सकते हैं ब्रेव है इन सबसे लेकिन फिर भी वो ये शो नहीं कर रहा है बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन एंड हर रियल लिटिल पेट ड्रैगन अब प्रेजेंट की बात है अभी भी उस लिटिल व्हाइट हाउस में बिलिंडा रहती है एंड उसके पास उसके जो इंक ब्लिंक मस्टर्ड रेड वैगन और ड्रैगन है वो भी उसके पास ही है इज एज ब्रेव as a barrel full of beers and ink and blink chase lion down the stairs mustard is as brave as tiger in the rage but custard keeps crying for a nice safe cage ab fir se similar situation ho gayi sare apne aap ko wapas se brave maan rahe hain सारे के सारे फिर से वापस से ब्रेव हो गए हैं इंक ब्लिंक लायंस को चेस कर रहे हैं बिलिंडा भी काफी ब्रेव है एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स देन अगेन मस्टर्ड भी उतना ही ब्रेव है जितना टाइगर होता है सभी वैसे ही हैं लेकिन अभी भी कस्टर्ड द ड्रैगन अभी भी कह रहा है कि उसको एक नाइस सेफ केस चाहिए रहने के लिए सो so, पोएट ये बताना चाह रहे हैं थ्रू दिस पोएम वी शुड नॉट जज एनी वन थ्रू हिज बिहेवियर एंड ना ही हमें अपने ऊपर ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए तो चलिए इसके लिटरेरी डिवाइसिस की बात करते हैं बच्चों सबसे पहले तो हम राइम स्कीम की बात करेंगे इसकी जो राइम स्कीम है वो ए ए बी बी है देन जो पहला पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो सिमली है सिमली देखिए यहाँ पर सिमली के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सिमली वहां होती है जहां पर कंपैरिजन होता है like लाइक और एज का यूज करते हुए जैसे कि माउथ लाइक फायर प्लेस एक एग्जाम्पल एक मैंने लिखा हुआ है यहां पे ऐसे ही इसके बाद वाले पैराग्राफ में आप देखेंगे एज ब्रेव एज अ बैरल फिर उसी में एज ब्रेव एज अ टाइगर यह आपका फिफ्थ पैराग्राफ है पोयम का फिर उसके बाद आपकी पोयम में आगे चलेंगे snorting लाइक एन इंजन टेल लाइक आयरन पैराट लाइक a रॉबिन ये बहुत सारी आपकी सिमिलीज हैं जो कि आप पोयम में देखेंगे एज ब्रेव एज अ बैरल लास्ट पैराग्राफ में फिर से है एज brave ब्रेव एज अ टाइगर फिर रिफ्रेन की बात करते हैं हम वन लाइन रिपीट अगेन एंड अगेन यहाँ really, truly, जो रियोलियो हैं ये ये वाली जो रियोलियो really, वाली लाइन है ये पूरी पोएम कई बार जो है रिपीट हुई है Then, third poetic device आपका है यहाँ पर कस्टर्ड को पर्सोनिफाई किया गया है किसके द्वारा बाय इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड तीनों के तीनों उसको क्या आ, किसके रूप में पर्सोनिफाइड करते हैं एज परसिवल नाइट एट किंग अर्दर्स कोर्ट उसकी कंपैरिजन करते हैं ना वहां पे उसको टीज करने के टाइम पे करते हैं ना कि ये परसीवल है जो कि बहुत ज्यादा डरपोक था चलिए नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस देखते हैं मेटाफर चिमनी फॉर अ नोज यहाँ पर मेटाफर है रेपिटेशन लास्ट और फर्स्ट स्टेंजा जो है फर्स्ट और लास्ट स्टेंजा जो है वो बिल्कुल सेम है आपके फिर हमारा अगला पोइटिक डिवाइस ओनोमेटोफिया है ओनोमेटोफिया क्या होती है जो आपके साउंड वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं हम ड्रामेटिक इफेक्ट लाने के लिए यहाँ पर वीक यूज जो हुआ है ये किसकी साउंड है वीक ये आपकी माउस की साउंड है तो बच्चों ये आपकी इस के पोएट्रिक डिवाइसेस थे आई होप आपको ये पोम क्लियर हो गई होगी थैंक यू हैव अ वेरी गुड डे